Hello students, welcome to Dr. Gunjan's classes. Myself Dr. Gunjan Goyal and today hum part 5 karne wale hain hamare chapter number 1 ka chemical reactions and equations. So hum char parts iske already kar chuke hain. So kindly before watching this video kindly watch the other 4 parts so that you can get a better understanding of the topics and then come back to this part. Okay, so under this part we are going to study about the decomposition reaction. So decomposition reaction कौन सी reaction होती है वो हम इस video में देखने वाले हैं. So अभी पहले हमने पढ़ा था combination reaction. Combination reaction का मतलब था कि दो reactants A plus B combine करके एक although नया product form करते हैं, that is C. So that is a combination reaction. ये combination reaction था, ठीक है. अब हम बात करें decomposition reaction. Decomposition reaction का मतलब है कि एक single compound, ठीक है, breakdown होकर दो या दो से ज्यादा similar products को form कर रहा है, ठीक है. एक single compound break करके, ठीक है, दो या दो से ज्यादा products को बना रहा है. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक compound है AB. ये ब्रेक डाउन हुआ, ये दो सिंपल प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो गया ए एंड बी. सो ये डीकम्पोज हुआ यानी कि इसकी ब्रेक डाउन हुई, उसमें कंबाइन हो रहे थे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी. ये डीकम्पोज हो रहे हैं, ये टूट रहे हैं, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, ठीक है. आपका नेम आपकी चीज को स्पेसिफाई करता है, आपको उसके बारे में समझना है और उस रिएक्शन को समझ के लिखना है, ठीक है. जब आपको एग्जाम्स में आए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, राइट इट डाउन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स एंड व्हाट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल एंड राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन. सो यू शुड नो, जब आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, यू नो द टॉपिक्स एंड यू कैन इजिली राइट डाउन. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बट द आंसर विल बी सेम. But you have to write in a different way. That same answer can be written a different ways as per the demand of the question. Okay. So अब हम बात कर रहे हैं decomposition reaction की. Decomposition reaction मतलब कोई भी एक single compound break down होकर दो या दो से ज्यादा similar substances में products में टूट रहा है, बन रहा है, ठीक है, टूट के बन रहा है. Then let's see this example. जैसे कि iron sulfate है, आयरन सल्फेट को जब हीट किया गया तो ये तीन तीन प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो गया. फर्स्ट इज आयरन ऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड देन सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो आयरन सल्फेट जो है हमारा, जब उसको हीट दी गई तो वो तीन प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो गया. सो ये क्या एग्जांपल हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट. तो अगर हम बात करें कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हो गए, सो FeSO4.7H2O, ये जो होता है जब ये वाटर को लूज डाउन, जब इसको हीट किया जाता है तो ये वाटर इसका लूज हो जाता है और इसका जो कलर है क्रिस्टल्स का वो चेंज हो जाता है, ठीक है. सो हीटिंग कैन ऑल्सो, सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट फ्यूज हो रही है, राइट. यू कैन सी हियर इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो ये डीकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, डीकम्पोज हो गया, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो अगर आप इनकी फिजिकल स्टेट्स देखें तो ये सॉलिड थी और ये फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहा जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, राइट. सो दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो अगर आप अनदर एग्जाम्पल देखें, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड. आप यहाँ देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, हीट इस तरह से भी सिंबलाइज कर सकते हैं, तो हीट किया, ये किस किस में डीकम्पोज हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. ये सॉलिड थी इसकी फिजिकल स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड की सॉलिड है बट कार्बन डाइऑक्साइड की गैशियस स्टेट है. सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन.
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि ये वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है. बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा क्विक लाइम, तो लाइम या क्विक लाइम बोला जाता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. ठीक है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है. सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड. यू कैन राइट इट डाउन इन योर आंसर्स इफ यू वॉन्ट. बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट वन रिएक्टेंट इज डीकम्पोजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव राइज टू टू products, that is calcium oxide and carbon dioxide. And this, the products which are forming, they have importance in the industries, in various industries, and one of the uses in the manufacturing of the cement. So this is a decomposition reaction. But jab koi bhi decomposition reaction heating ke saath ho, yani ki heat kya matlab thermal. So it is a thermal decomposition. Bhi hum kar rahe the, heat jab release hogi, एक्सोथर्मिक, थर्मिक, थर्मल, दैट डिफाइंस हीट. ठीक है, तो जब किसी भी रिएक्शन में, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो रही है तो उसको बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन. व्हाट इट इज कॉल्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन. ओके, सो व्हेन समबडी आस्क्स यू डिफाइन थर्मल डीकम्पोजिशन, व्हाट विल यू से? A substance decomposes in the presence, when substance decomposes on the heating is called as thermal decomposition. For example, calcium carbonate is decomposing in the presence of heat to the calcium oxide and carbon dioxide. So here you can see ki kis tarah se ye metal carbonate ka example hai, jab isko burner se burn kiya gaya, yahan pe lime water milky turn ho raha hai in the presence of carbon dioxide, right? So ye isme aapne calcium carbonate ka dikhaya gaya hai kis tarah se calcium, koi bhi metal ka carbonate, hum calcium carbonate ki agar hum baat kar rahe, jab isko heat kiya jata hai burner se, ye calcium oxide bana raha hai, lime water bana raha hai, aur carbon dioxide ki presence mein delivery tube hai, yahan pe carbon dioxide release out ho jati hai, so that defines the thermal decomposition. Decomposition is occurring in the presence of heat or due to heat. Okay. Then is electrolysis. Electrolysis भी एक ऐसी reaction है जब substance decompose होता है by passing an electrical. जब वहां पे decomposition का ही एक type है electrolysis भी, वहां पे हमारी thermal decomposition में heat से decompose हो रहा था, यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक करंट से डीकम्पोज हो रहा है. जैसे कि आप वाटर है, जब इसको आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 और O2. ठीक है, आप यहाँ देखिए, जब ये वाटर मॉलिक्यूल है, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो ये 2H2 और O2 बन जाते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस का ऑपरेटस बना रखा है यहाँ पे. जब ये वाटर है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, जब इसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो क्या बन गया हमारा, H2 और O2 बन गया. ओके, सो दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन. देन इज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ, जब डीकम्पोजिशन हो सब्सटेंस की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब हीट की प्रेजेंस में हो तो थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, जब सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए कि आपने सिल्वर ब्रोमाइड को रखा चाइना डिश में, यहाँ पे सॉरी इस एग्जांपल में, इस पिक्चर में सिल्वर क्लोराइड को इन्होंने रखा है चाइना डिश में, जब यहाँ पे सनलाइट पड़ी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया, वो क्या बन जाएगा, ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो इसके दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी हमारी सिल्वर क्लोराइड. अब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमाइड डिफरेंट डिफरेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगी रिएक्शन, बट इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में जब एक मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे है, जब इसके ऊपर लाइट आई तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा. ठीक है, तो आपने ट्रांजिशंस पढ़ी होंगी,
या आप आगे पढ़ेंगे कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांजिट कर जाते हैं और वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डीकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि कोई सब्सटेंस डीकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, सो दिस इज अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो नेक्स्ट द अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू, एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी. I'll get back to you, and thank you so much, and don't forget to press the like button. So please press the like button if you like this video and share with your friends and subscribe to this channel. Thank you so much. See you tomorrow. Till then, take care.